भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि राज्य में पेपर लीक से बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने आज धौलपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि पेपर लीक प्रकरण के मुद्दे को भाजपा चुनाव में जनता के सामने लेकर जा रही है। जो पेपर लीक करते रहे या करवाते रहे, उनके राज्य के खुद के मंत्री, उनके सहयोगी अफसर, सबके सब लोग उसमें लिप्त थे और 19 बार पेपर लीक हुआ। जो गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजता था उसका दाखला नहीं हो पाता था, कि इस हद तक हुआ कि युवकों को बेरोजगारी के चलते हुए आत्महत्या करनी पड़ी। इन्होंने कहा कि हमने 3 लाख लोगों को भर्ती दे दिया, भर्ती कर दिया, फिर असेंबली में मानना पड़ा कि नहीं, 1,42,000 लोग हैं जिनको हमने सिर्फ पत्र दिया है, अभी नियुक्ति पत्र दिया, अभी भर्ती उनका शुरू नहीं हो पाती। तो ये जो निरंतर 5 साल युवकों के साथ खिलवाड़ किया और ये कहकर कि हम आपकी चिंता करेंगे, हम कानून लेकर आए, सब किए, परंतु फिर भी खिलवाड़ किया,